Today we are going to start exercise number 8.5 question number 3. इसका question number 2 कल मैंने आप लोगों को video में send कर दिया था. So question number 3 statement. Find the product of the forming binomial by using identity. Identity का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था formula. इसका question number 3 के सारे part करने हैं. 5 और 6 वाला मैं आपको board पे बता रही हूँ. बाकी जो इसके part हैं वो आपके homework में हैं. First 5 वाला question है हमारे पास 6a minus 5b और bracket second bracket में है 6a plus 5b. इसमें कौन सा formula use होना है हमारे पास? इसमें third वाला formula जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था a plus b a minus b equal होता है a square minus b square. इसमें हमारे पास क्या होता है formula की कोई सी भी एक side हमारे पास given होती है. ठीक है, इसमें देखें हमारे पास कौन सी side given है. इसमें हमारे पास left hand side जो है वो given है, हमने right hand side के equal करके लेकर आ दिया. अब इसमें देखेंगे आपके पास a माइनस बी इसके इक्वल आ जाता है, a प्लस बी इसके इक्वल आ जाता है. हमने इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है. तो 6a 6a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5b 5b का स्क्वायर. जब हम इसको ओपन करेंगे 6 को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 a स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25 b स्क्वायर. इसके 6 वाले पार्ट में आते हैं 9x माइनस 11 by 9x plus 11 by. As it is, left hand side के equal है, उसमें आपने क्या करना है? आपने first वाले a square जो आपके पास ये sine के इस side पे है, वो a होता है. दोनों, ये दो है a तो a का square minus plus minus 11 by b का square. जब आपने square open करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 9 9 जा 81 x square minus 11 को दो दफा multiply करेंगे 121 y square. एक्सरसाइज नंबर 8.6, इसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है आज. इसमें जो आपके पार्ट है वो आपने 1 टू 6 पार्ट करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो कट कर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के 1 टू 6 पार्ट करने हैं. जो मैं आप लोगों को करवाने लगी हूं वो है क्वेश्चन नंबर 3 5 और 6. इसका 1 2 और 4 पार्ट जो है वो आपका होमवर्क में है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. रीसॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी इसको हमने फैक्टर्स में चेंज करना है. फैक्टर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन से कॉमन निकल रहा है और उसके फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं. सबसे पहले क्या करना है, हमने कॉमन देखना है. कॉमन क्या होता है? कॉमन वो वैल्यू होती है कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज होती हैं उसमें वो चीज मौजूद होनी चाहिए. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स में हमने कॉमन निकालना है. कॉमन में देखिए, फर्स्ट आपके पास वैल्यू है 9x की पावर 4, सेकंड है 6y स्क्वायर प्लस 3. अब 3 इसमें से एक ऐसी वैल्यू है जो कॉमन निकलता है. 9 के 3 के टेबल में 9 भी जाता है और 6 भी जाता है. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के किस टेबल पर 9 आता है, 3x की पावर 4 प्लस 6 कहां पे आता है, 2y की पावर 2 और प्लस 1. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका है 5 वाला पार्ट. 5 वाले पार्ट में अगर देखते हो x स्क्वायर yz प्लस xy स्क्वायर z प्लस xy z का स्क्वायर. अब हमने कॉमन निकालना है. यहां पे अगर हम देखते हैं तो सब में xy, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसके एग्जांपल में देखें, फर्स्ट वाले में 2x है, हमने 2 टाइम्स लिखा yz लिखा. फिर सेकंड वाले में xy y 2 टाइम्स है, मैंने y 2 टाइम्स लिखा, z as it is लिख दिया प्लस. और थर्ड वाले में देखिए, z 2 टाइम्स है, हमने z लिखा और xy लिख दिया. अब हमने देखना है कि सब में कॉमन कौन से होते हैं. कॉमन का मतलब होता है कि जो सब में एक जैसे होंगे. देखिए x x और x हमने कॉमन निकाल लिया. उसके बाद क्या है हमारे पास, y y और y, हमने फिर क्या करना है, y और z भी और y कॉमन निकाल लिया. उसके बाद z z और z z भी हमने कॉमन निकाल लिया. उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी वो क्या है, x यहां पे हमारे पास, y यहां पे हमारे पास, z. इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, यहां पे हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाती हैं. 4 वैल्यूज में हमने क्या करना है, 4 वैल्यूज में से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारे पास एज इट इज निकल है. हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 2 2 का पेयर्स बना लेते हैं. हमने यहां पे पहले 2 का पेयर्स बनाया, यहां पे नेक्स्ट 2 का पेयर बनाया. अब इनमें से bx के कॉमन किस तरीके से निकलेगा, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट पेयर हमारे पास वहां पे b था और x की जो हमारे पास 3 थे, 1 2 एंड 3, फिर प्लस b1 था, x की दो वैल्यूज थी वो हमने x लिख दिया. अब यहां पे देखो आपको किस तरीके से पता चल रहा है कि यहां पे कॉमन क्या है, b x और x सेम है, b x और x सेम है, इनको हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया x प्लस और ये 1 आ गया. जिस सारा वैल्यू बाहर आ जाएगी तो वहां पे 1 बच जाएगा. फिर माइनस, अब जिसमें से कोई वैल्यू कॉमन नहीं निकलती उसमें से 1 कॉमन निकलता है. अगर बाकी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है. इसी तरीके से हमने इस स्टेप में किया. अब यहां पे एक वैल्यू ये बन गई है, एक वैल्यू ये बन गई है. अब यहां पे देखिए, दो वैल्यूज में से आपके पास एक ब्रैकेट जो है वो कॉमन निकलता है.
बाकी हमारे पास क्या बच गया, बी एक्स स्क्वायर और हमारे पास माइनस वन बच गया। बाकी इसके क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं लगेगी तो कॉन्टेक्ट।